यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणाखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणाखंड के रूप में व्यक्त होता है, पर यहाँ पे 140 है तो 140 को लेते हैं, पर 140 अभाज्य गुणाखंड जो होता है ना, सबसे पहले सेम ये लघुतम की तरह बनता है, यानी एलसीएम की तरह। तो सबसे पहले छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या यहाँ पर सबसे छोटा संख्या एक से भी कट सकता है, लेकिन एक से कटाएंगे तो 140 आएगा। दो से कटा के देखते हैं, दो से करेंगे तो 70 आएगा, फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो 35 आएगा। अब 35 है तो 3 से भी नहीं कटेगा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, अभी से 5 से कटा 5 70 35। अभी 140 है तो 140 लिख देंगे। 140 बराबर कितना है, 2 × 2 × 5 × 7 है, तो यहाँ पर 2 को है, यहाँ पर देखते 2 तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 है, अब 5 × 5 चाहिए 7 × 7, पहला बन गया आंसर आ गया। अब दूसरा देखते 156, 156 है तो 156 को लिखेंगे, इसको लघुतम की तरह बनाएंगे। सबसे पहले छोटा संख्या यहाँ पर 2 से भाग देते हैं, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16, फिर यहाँ पर 2 × 2 = 6 और 2 × 9 = 18। अब ये 3 से कटा दे, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे 156 करते हैं, 156 बराबर 2 × 2 × 3 × 13, यहाँ पर 2 को फिर 2 को है, फिर 3 एगो तब 13, इसका भी बन गया आंसर। अब 38 25, तो 38 और 25 लिखते हैं, फिर मिश्र लघुतम तरफ फिर इसे करेंगे, तो 2 से 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 एकम 3 × 2 = 6, 3 से कट जाएगा, करते हैं 3 एकम 3 × 2 = 6 और फिर 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। सो मैंने भाग भाग के तरफ बनाना है, इसे भाग भाग देगा, 3 से अगर इसमें भाग देंगे तो इतना मत में कटेगा। अब फिर यहाँ पर 3 से देखते हैं, 3 × 4 = 12, फिर 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अभी अभी 3 से देखते हैं कटेगा कि 3 से नहीं कटेगा, अभी इसे 5 से कटाते हैं, 5 × 5 = 40 और 50 = 25, और फिर यहाँ पर कटाते हैं 5 से, 5 × 5 = 5 × 5 = 35। अब 38 25 है, 38 25 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यहाँ पर 3 को है 2 गो, तो यहाँ पर 3 × 5 = 2 को है 2 गो, तो यहाँ पर 5 2 को लिख देंगे और 17 बन गया। अब दूसरा 5 5005 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5005, तब इसे भाग दें, 2 से भी नहीं कटेगा, ये 3 से 3 एकम 24, 3 से भी नहीं कटेगा, अभी से 5 से डायरेक्ट कटा, 5 एकम 5 0 के 0, 5 एकम 5। अभी अभी से कटाते हैं, अभी 11 से भाग देते हैं, 11 × 9 = 99, फिर एक 11 से कट जाएगा, 11 × 9 = 99, 11 × 11। अब 91 13 थे, तो अब 13 से भाग देते, 13 × 7 = 91, तो 13 × 7 = 91। अब हो गया, तब यहाँ पर करते हैं इसे 5005 बराबर 5 × 11 × 13 × 7, यहाँ पर कौन नहीं सब एक हो गए, तो एक को इसका आंसर इस 74 29 है, 74 29। अब इसे देखते हैं, सबसे पहले छोटा संख्या 3 2 से कटेगा, 3 से देखते हैं 74 29, 3 × 2 = 6, फिर 1 4, 3 × 4 = 12, 2 2, 3 × 7 = 21 21, फिर 1 9, 3 × 18, 3 × 18 नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा। अब इसे 5 से 6 से 7 से भी देखते हैं, 7 एकम 7, 7 × 7 = 42 नहीं कटेगा, 8 से 9 से, 10 से 11 से 66 66, फिर 4 4 8 2, 11 77, 3 2 नहीं होगा, 11 से 13 से देखते हैं 74 29 को 13 से भाग देते हैं, 13 × 26 = 43, 13 × 52 = 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 13 × 5 = 65, 65 और देखते हैं, 10 कट गया, 114 में से 5 गया, 2 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, फिर 1 9, 13 से भी नहीं कटा, 14 15 16, 17 सब देखते हैं, 17 से भाग करके देखते हैं 74 29 को, 17 से भाग देते हैं, 7 6 7 7 7 68, 68 68 कर देते हैं, यहाँ पे 14 में से 8 है गया, 6 बच गया, 1 कट गया, 2 बजे, 17 34 17 51, 17 51, 2 में से 1 1 बच गया, 9 और 17 17 17 7 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
तो यहाँ पर
17 से भाग देंगे तो हम कटेगा 24 29, 437 मत में कटेगा, 437 मत में कटेगा। अब फिर देखते हैं 437 317, अब देखते हैं 437 को भाग देते हैं हम 17, देखते हैं कटेगा कि नहीं। 17 34 17 34 34 कर देते हैं, 13 में से 4 गया 9 7, ये नहीं होगा। 17 75 76 नहीं होगा, ये नहीं कटेगा। अब इसको देखते हैं 19 19 19 337 400 437 को अब 19 से भाग करके देखते हैं। 19 19 दुना 38 19 दुना 38, ये 38 करते हैं तो 13 में से 8 गया 5 7, 19 97 यानी 23 मर्द, 19 का पारा से 23 मर्द में कटेगा, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे आई 23 मर्द में कट गया ही। तब तो 74 29 है, तो इसका हुआ 17 गुड़े 19 गुड़े 23।